कि राम क्या खाता था क्या नहीं खाता था ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। मसला ये है कि रामू आगे चलकर क्या खाएगा। टीवी पे इन दिनों बहस चल रही है कि राम मांसाहारी थे या नहीं थे। मसला ये हुआ कि जितेंद्र आव्हाड नामक एक विधायक है महाराष्ट्र के, उन्होंने ये बहस छेड़ दी। उन्होंने कह दिया कि राम मांसाहारी थे। उन्होंने इस पे बहुत सारे उन्होंने उदाहरण भी दिए और बहुत सारे तथ्यों को पेश भी किया। मसला ये है कि कहानी का कोई पात्र क्या खाता था क्या नहीं खाता था, ये तो बहुत सारी बातें जो हैं वो कहानियों में बार बार बाद में भी जुड़ते चली जाती हैं, और कब किसने किस तरह से लिखा इस पर भी निर्भर करता है। कोई कहानी अगर पौराणिक है तो पौराणिक रूप से मतलब उस वक्त मान्यताओं के अनुसार बहुत सारी चीज़ें लिखी गई होंगी और अभी उसमें क्या जोड़ा गया पता नहीं, बीच में कालांतर में जो चीज़ें उसमें जुड़ती जाती चली जाती हैं वो सब कहानी का हिस्सा बनने लगती हैं। तो अब यहाँ पर सवाल ये है कि क्या राम का वो किरदार मांसाहारी था या नहीं था। मसला ये है कि अगर वो राजा का लड़का था, राजकुमार था, तो फिर निश्चित रूप से उसके पास खाने पीने की कोई कमी तो रही नहीं होगी। फिर अगर वो जंगल में गए तो फिर जंगल में उन्होंने क्या खाया, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर खाने पीने के लिए। और आज भी अगर आप जब डिस्कवरी में देखते हैं तो निश्चित रूप से जंगल में जाकर क्या खाना पड़ता है ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब वो मांसाहारी था या नहीं था इस पर जो इन दिनों बहस चली हुई है उस पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ, वो ये कि राम क्या खाता था क्या नहीं खाता था ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। मसला ये है कि रामू आगे चलकर क्या खाएगा, क्योंकि रामू की स्थिति बड़ी ख़राब होती चली जा रही है। राम की स्थिति बहुत अच्छी थी, वो राजघराने से थे, वहाँ पर तमाम सारी सुख सुविधाएं उन्हें मिली। जंगल में जाने के बाद भी अफरात उस वक्त जंगली जानवर से लेकर तमाम सारी चीज़ें हुआ करती थी, खाने के लिए भी चीज़ें हुआ करती थी। लेकिन इन दिनों आज के स्थिति में किसान रामू है तो वो उसकी हालत ये है कि उसे सही ढंग से मूल्य नहीं मिलता उसकी फसलों का। मसला फिर वही होता है कि वो क्या खाए, कैसे अपने परिवार को पाले, वो आत्महत्या करने लगता है। फिर जो रामू है जो कि पढ़ना लिखना चाहता है, उसे अगर सही स्कूल नहीं मिला, उस पर भी अगर किसी स्कूल में अगर वो दाखिला लेने जाता है और वहाँ पर बहुत मोटी फीस अगर उससे वसूली जाती है और वो उच्च शिक्षा उस तरह से नहीं ले पाता व्यावसायिक शिक्षा, तब वो आत्महत्या कर लेता है। तो मसला यह है कि रामू जो विद्यार्थी है, रामू जो अभी किसान है, और रामू जो कि रोजगार के लिए पढ़ लिख कर भटक रहा है, वो क्या खाएगा ये बहुत बड़ा मसला है। क्योंकि अगर हम इस हंगर इंडेक्स को देख लें जो कि हाल ही में मतलब 2023 में पिछले साल जारी हुई थी, अगर इस इंडेक्स को देखते हैं तो हम कहाँ हैं। GHI रिपोर्ट में पाकिस्तान को 102 नंबर पर, बांग्लादेश को 81 नंबर पर, नेपाल को 69 नंबर और श्रीलंका को 60 स्थान पर रखा गया है। दक्षिण एशिया और उप सहारा अफ्रीका में सबसे अधिक भूख स्तर वाले क्षेत्र हैं। मतलब ये है कि भारत 2023 ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि GHI में 125 देशों में 111 स्थान पर है, यानी कि और पिछले सालों के मुकाबले भारत इस सूचकांक में 4 स्थान फिसल गया है। भारत एकदम नीचे स्थिति में जा रहा है, मतलब ये कि हंगर इंडेक्स में हमसे आगे नेपाल पाकिस्तान जैसे छोटे छोटे देश नज़र आते हैं। ऐसे में हमारी स्थिति ये है कि हम क्या खाएंगे। और खुद प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों एक बड़ी बात कही थी, उन्होंने कहा था कि कई करोड़ लोगों को जो है वो मुफ्त अनाज दे रहे हैं, 5 किलो वाला जो मुफ्त अनाज है, तो वो जो मुफ्त अनाज है वो दे रहे हैं। तो इससे साफ समझ में आता है कि बहुत सारे लोगों की आज की स्थिति भी जो है वो भोजन ना जुटा पाने की स्थिति है, इसलिए उन्हें मुफ्त अनाज देना पड़ रहा है। अगर उनके पास रोज़गार होता तो निश्चित रूप से वो खुद कमा खा रहे होते,
तो अब इस रोजगार के इस अगर चार्ट को आप देख रहे हैं, जिस चार्ट में आप देख पा रहे हैं कि रोजगार की क्या स्थिति, 2023 में 10.05 ये अक्टूबर का आंकड़ा है, और इससे पहले थोड़ा पीछे जाते हैं 2012 में ये आंकड़ा था 5.41, फिर 2013 में 5.42, फिर 2014 में 5.44, 2015 में उतना ही, इसके बाद फिर धीरे धीरे ये आंकड़ा जो है ये कभी कम कभी ज़्यादा होता रहा, लेकिन 2020 में ये 8% हो गया। इसके बाद जो है बेरोजगारी की दर फिर से एक बार 2021 में 5.98 होती है, फिर उसके बाद 2022 में 7.33, लेकिन 2023 में ये बढ़ जाती है, यानी कि बेरोजगारी की का जो प्रतिशत है वो बढ़ा है। तो हम ये देखते हैं कि बेरोजगार व्यक्ति है वो आगे चलकर क्या खाएगा, इस पर बहस करने के बजाय हम बहस कर रहे हैं कि राम ने क्या खाया था। अब राम क्या खाया था और क्या नहीं खाया था, ये तो कालांतर में कई सारी चीज़ें, जैसे कि हम आप किसी बच्चे को आप कहानी सुनाने को कह दें, उसने अगर किसी कहानी को सुना है तो वो आज उसने जो कहानी सुनाई है धीरे धीरे, मेरी बच्ची ने भी कभी कहानी सुनाई थी तो आपको बता दूं कि वो एक दिन जो उसने कहानी सुनाई उसके बाद दूसरे दिन जो कहानी, उसमें कई किरदार जुड़ते चले जाते हैं, कई घटनाएं जो हैं आसपास की घटनाएं वो जोड़ते हुए वो एक उसमें इम्प्रोवाइजेशन करते हुए वो सुनाते चले जाती है। तो बच्चे जिस तरह से कहानी सुनाते हैं, और ये सब कहानी कथा कहानियों का मसला है, कथा कहानियाँ कालांतर से सुनाई जाती आ रही हैं, निश्चित रूप से बाद में इसमें कई चीज़ें जोड़ी गई हैं। आप आज इन दिनों अगर आप छोटा भीम देखते हैं या कृष्ण से संबंधित कोई कार्टून कैरेक्टर देखते हैं तो उसमें कृष्ण को आप जो है एक मॉडर्न सोसाइटी में मॉडर्न जो जगह है वहाँ पे आधुनिक चीज़ों का या आधुनिक यंत्रों का उपयोग करते हुए देखते हैं छोटा भीम। तो ये सारे पौराणिक किरदार जो हैं, जो काफ़ी पॉपुलर किरदार रहे हैं, वो किरदार जो है आज की जनरेशन को समझाने के लिए उसमें आज की चीज़ें जोड़ी गई हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये उस वक्त के जो किरदार थे उसमें धीरे धीरे कई चीज़ें जोड़ी गई होंगी। अब जैसे कि कहा जाता है कि भाई शबरी के जूठे बेर खाने वाली बात जो है ये कहीं पर पौराणिक ग्रंथों में तो नहीं मिलता है, बाद में कथा कहानियों में किसी ने सीरियल में किसी ने कविताओं में कहा जो गीतों में ये चीज़ों को उसमें जोड़ा। वास्तविक अगर उस रामायण में देखते हैं तो वहाँ पर वो नहीं मिलता है, वास्तविक जो पौराणिक ग्रंथ है वहाँ पर वो प्रसंग है नहीं। तो कई चीज़ें जो हैं वो अपनी सुविधा अनुसार बाद में जोड़ी गई होंगी निश्चित रूप से। तो ये बहस का मसला इन दिनों इसलिए है क्योंकि इस वक्त वो चाहते हैं कि आप उस मुद्दे पर बहस ना करें जो आपके काम का है, आप उस मुद्दे पर बहस करें जो उनके काम का है, क्योंकि उन्हें तो इस वक्त जो है ज़्यादा पॉपुलर जिसे करना है वो राम मंदिर है, और इस वक्त राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। तो राम मंदिर का जब उद्घाटन हो रहा है उसी दौरान इसको हाइक पर लाने के लिए, इसको चर्चा में सुर्खियों में बनाए रखने के लिए, आपने देखा किस तरह से एक बम की बात हुई, बम वहाँ से बम से उड़ाने की अफवाह फैलाई गई, और अफवाह फैलाने वाला जो है जिसने बम से उसे तोड़ देने की या उस पर वहाँ के मुख्यमंत्री पर हमला करने की जो बात है वो एक ऐसे ईमेल से आती है जो कि मुस्लिम नाम से संबंधित है, और बाद में पता चलता है वो तो मिश्रा है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो हिंदू है। तो ये जो सारी चीज़ें की जाती है ना, जैसे कि फिल्मों को सफल बनाने के लिए जो फिल्मकार होते हैं, जो पूरी टीम होती है, जो प्रोड्यूसर होता है, वो बहुत सारी चीज़ें चर्चाओं में लाता है ताकि उसकी फिल्म जो है वो सुपरहिट हो जाए। तो ये सारा कुछ फिल्म को सुपरहिट करने का मामला है जो कि अभी इस वक्त सुर्खियों में बनाए रखने के लिए उन तमाम चीज़ों पर चर्चा हो रही है। तो मसला ये है कि राम ने क्या खाया था, क्या वो मांसाहारी थे, अगर वो मांसाहारी नहीं थे तो वो हिरण को मारने क्यों गए थे, ये सारी बातें जो है कही जा रही हैं। अगर वो मांसाहारी नहीं थे तो फिर वो इतने शिकार क्यों किया करते थे, कोई आदमी यूं ही तो शिकार करेगा नहीं, क्यों शौक में अगर कोई शिकार कर रहा है तो ये भी गलत बात है, ये बात उन्होंने कही है। और पौराणिक ग्रंथ के कुछ पन्ने जो हैं वो भी ये बताते हैं कि उस वक्त मांसाहार जो है वो
उच्च वर्गों के को ही प्राप्त था, यानी उच्च वर्ग जिनके पास साधन थे, संपन्न थे, जो आर्थिक रूप से संपन्न थे, वही लोग मांसाहार कर पाते थे। और आज भी आपके घर में अगर कोई मेहमान आता है तो वही सक्षम व्यक्ति अपने मेहमान को मांसाहार का जो है वो उसको मांसाहार से उसका स्वागत कर पाता है, जो सक्षम होता है, जिसके पास पैसे होते हैं। वरना आपके पास अगर पैसे नहीं है, आपके पास सक्षम आप अगर सक्षम नहीं है, तो मांसाहार आपके बस का भी नहीं है। तो ये साफ बात है कि भाई उस वक्त जो सक्षम था वो मांसाहार जरूर करता रहा होगा, और उस वक्त भी जो विपन्न थे उनको तो बहुत मुश्किल से कुछ मिल पाता था। तो ये स्थिति बहस करने की ये है कि भाई आज भी जो रामू है वो क्या राम की तरह चीजें खा पाएगा, ये सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण है।